Hello friends. So this is my first official vlogging, आप कह सकते हो, जो मैं कर रहा हूँ. ये vlogging मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आजकल बहुत सारी हम लोगों को वीडियोस दिखाई दे रही है कि जो नई ट्रैफिक रूल्स बनी है हमारे अपने इंडिया में स्पेशली, जो काफ़ी लोगों को दिक्कत हो रही है. बहुत सारे जो हमारे सिटीजन्स हैं वो नाराज़ है. 80% लोग अभी भी नाराज़ है इससे, क्योंकि उसमें से मैं भी एक हूँ, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही इन लोग ने बड़ा चढ़ा के फाइन्स लगा दिए हैं. पर मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं रिसेंटली न्यूज़पेपर्स में, यूट्यूब में, ये सब जगह पे इसके बारे में पढ़ रहा था, देख रहा था, तो रिएक्शंस नेगेटिव ज़्यादा है, पॉजिटिव कम है. अभी नेगेटिव इसलिए क्योंकि जो फाइन्स लगाए गए हैं हमारे इंडिया में, गवर्नमेंट ने माइंड में ये रख के लगाया गया है कि इतने फाइन्स बढ़ाने से जो हमारे ट्रैफिक, जो हमारे जो सिटीजन्स हैं इंडिया के जो रैश ड्राइविंग करते हैं, चाहे वो बाइक हो या कार हो या कुछ भी हो, वो कम हो जाएगी. पर ये मेरे ख्याल से एक रॉन्ग थिंकिंग है. मैं आज भी बता सकता हूँ कि इतने सारे लोग हैं जो इतना रैश ड्राइविंग करते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की. मैंने यहाँ तक लड़कियों को भी देखा है जो रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, इंक्लूडिंग द कार और बाइक. और यहाँ तक कि मैंने कुछ पुलिस व्हीकल्स भी देखी है जो खुद सिग्नल फॉलो नहीं कर रही है, जो निकल पड़ रहे, जबकि उनको कोई इमरजेंसी है नहीं. ठीक है, चलो ये बात मान ली एक मैंने कि इंडिया में बहुत लोग रूल्स फॉलो नहीं करते, सिग्नल्स फॉलो नहीं करते, हेलमेट्स नहीं पहनते. तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इतना फाइन्स लगा दो. इतना फाइन लगा देने से कुछ होने वाला नहीं है, जबकि पब्लिक और इसको ज़्यादा मिसयूज करेगी. और हाँ, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप एक हेलमेट नहीं पहने, पहले आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, एक हेलमेट नहीं पहनने का कुछ 500 ऐसा कुछ फाइन था, जिसको मेरे ख्याल से मतलब बढ़ा के 1000 या 1500, पता नहीं कितना कुछ कर दिया है. पर अगर आप देखेंगे अभी भी बहुत सारे जगहों पे, स्पेशली इन मुंबई, मैं मुंबई से हूँ, स्पेशली इन मुंबई अगर आप देखेंगे कि लोग अभी भी बहुत सारे जगह पे हेलमेट्स नहीं पहनते. अभी कभी कभी क्या होता है, कभी कोई स्पेशल ओकेजन होता है हमारे मुंबई में या कहीं पे भी, वहां पे जो लोग रहते हैं वो ट्रिपलेट्स करते हैं, ट्रिपल चलाते हैं, हेलमेट्स पहनते ही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल दही हंडी, अभी रिसेंटली दही हंडी गई, उसमें मैं ऑफिस जा रहा था, मैंने कितने ऐसे दही हंडी लोगों को देखा जो ट्रैफिक रूल तो फॉलो करते ही नहीं है, ट्रिपल चला रहे, हेलमेट्स पहने ही नहीं किसी ने, तो पुलिस तो उन लोगों ने पकड़ रही है. अभी ठीक है, वैसे ही बहुत सारे ऐसे ओकेजन है जहाँ पे मैंने देखा ऐसे लोग हेलमेट्स पहने नहीं. ये एक एग्जाम्पल हो गया है. सेकेंड एग्जाम्पल, बहुत सारे हाई एंड कार्स में जो शीशे रहते हैं, जो ग्लास रहते हैं, उनमें ब्लैक फिल्म अभी भी लगी हुई है, जबकि पुलिस उन लोगों ने पकड़ लिया, जो इनकी छोटे छोटे गाड़ी रहती है. फॉर एग्जाम्पल मेरी गाड़ी थी, मेरी गाड़ी में जब बहुत साल पहले, 2 या 3 साल पहले जब ब्लैक फिल्म थे, मुझे पुलिस ने पकड़ा था, तभी जस्ट ये इशू हुआ था. गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट डाल दी कि कोई गाड़ियों में ब्लैक फिल्म्स होनी नहीं चाहिए, जबकि ये, फिर मैंने क्या कि जब मुझे पुलिस ने पकड़ा तब मैंने ये निकाल दिया. पर अभी भी मैं हाई एंड कार्स में, नॉट ओनली इन हाई एंड कार्स, इवन इन स्मॉल कार्स, आई एम सेइंग कि ब्लैक फिल्म्स अभी भी लगी हुई है. ठीक है, ये एक बात हो गई है. गवर्नमेंट अगर ये सोच रही है कि ये सब करने से हमारा सिटीजन सुधरेंगे, तो आई डोंट थिंक ये कुछ होने वाला है. सुधरेंगे या नहीं सुधरेंगे, होने वाला है. इतना हैवी फाइन्स लगाने से रोज पेपर में पड़े जा रहे हैं. अभी रिसेंटली आज ही पेपर में पढ़ रहा था कि एक एमपी में या कहाँ पे तो एक इसको इतना फाइन्स लगा दिया है, मतलब अराउंड 1 लाख और 2 लाख ऐसा फाइन लगा दिया है. तो ड्राइवर पूछ रहा था, भाई इतना फाइन क्यों, तो बोल रहे थे कि तुम्हारा एक फाइन नहीं है, तुम्हारा बहुत सारे फाइन्स है उससे इंक्लूडेड. अभी ये एक चीज है जिसमें ज्यादा झगड़ा होती है, मतलब आप जब चलान या कुछ भरने जाते हो तो उन लोग बोलते कि आपका एक, ये एक फाइन नहीं है, आपका 2-3 फाइन्स है, तो वो रिकॉल कब करेगा, वो बंदा रिकॉल कब करेगा, हाँ भाई मैंने उस टाइम सिग्नल तोड़ी थी या मैंने उस टाइम कुछ ऐसा किया था. तो ये एक रॉन्ग डिसीजन जो गवर्नमेंट ने ली है कि कलेक्टिव फाइन्स जो भरना पड़ रहा है, ये रॉन्ग है. हाँ भाई, अगर आपको लग रहा है कुछ मिस्टेक है तो ऑन द स्पॉट उसको पकड़ो और उसको तभी फाइन करो. तब कोई भी इंसान आज क्या, वो कल क्या खाना खाया, क्या किया, उसको कुछ याद रहता नहीं है. तो दिस इज समथिंग वेरी रॉन्ग. अभी रिसेंटली एक बंदे को पेपर में मैंने पकड़ा,
पढ़ा मैंने कि उसको पकड़ा क्योंकि उसने हेलमेट नहीं पहने, जबकि वो बंदे के पास बाइक है ही नहीं, वो गाड़ी में ही चलाते हैं। तो उसने क्या किया, हेलमेट गाड़ी में बैठ के हेलमेट उसने पहन लिया, मतलब एक दिखाने के लिए कि कितना मिसयूज कर सकते हैं। और लास्ट एंड द फाइनल थिंग जो मैं कहना चाहूंगा कि सबसे मेन चीज जो है हमारी जो पुलिस है, वेदर इट्स फ्रॉम ट्रैफिक डिपार्टमेंट और फ्रॉम एनी अदर पुलिस, दे शुड बी नॉन करप्ट, उन लोग करप्ट कम होने चाहिए। ये ज्यादा देखा जाता है कि फाइन भरने के चक्कर में उन लोग ब्राइब लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, ये ज्यादा देखा जाता है, मैंने खुद देखा है और ये सब लोग ने देखा है कि कितनी करप्ट है हमारी मुंबई पुलिस बोलिए या कोई भी पुलिस बोलिए। तो अगर ये सब भी एक्शन ले अगर पुलिस के ऊपर, तो डेफिनेटली ये जो लॉज बनाए हैं ये डेफिनेटली काम करेगी। पर हाँ, एक सर्टन लिमिट होना चाहिए, एक फाइन्स का, एक कोई भी चीज का एक सर्टन लिमिट होना चाहिए, इतना भी आई डोंट थिंक कि जरूरी है। तो ये काफी दिनों से मैं सोच रहा था ये एक वीडियो बनाऊं, पर टाइम नहीं मिल पा रहा था, आज थोड़ा टाइम मिला, मैंने बनाया, मेरा फर्स्ट व्लॉग है। आई होप आप लोगों को पसंद आया, अगर आप लोगों को लगा कि मैंने कुछ नेगेटिव कहा है या कुछ भी तो कमेंट्स में जरूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करूंगा। ओके, चलो, थैंक यू।